एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलीगढ़ के बाद भोपाल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है। 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है और ये आशंका जताई जा रही है पुलिस की ओर से, जो बात सामने आई है कि बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। भोपाल की ये घटना है। एक 8 साल की बच्ची जिसका उसके घर के सामने से ही शव बरामद हुआ है। कल रात घर से लापता हुई थी बच्ची, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी पहुंची। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दीदी, आज आप परिजनों से मिली हैं, सबसे पहले क्या कुछ कहेंगी इस दर्दनाक घटना को लेकर? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये बहुत बड़ा अपराध है, परंतु ऐसे अपराध ना हो इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कवि हो या मीडिया हो, पुलिस हो, सामाजिक महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको सचेत रहना पड़ेगा। साहित्यिक व्यक्ति का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने लेख के कारण, लेख से समाज को जगाएं और ऐसे अपराधों को। इससे पहले जो मामले हुए हैं फास्ट्रैक कोर्ट में गए हैं और जल्दी से ही इन मामलों पर फांसी की सजा भी सुनाई गई है, आप भी मांग करती हैं कि कम से कम ये मामला भी अतिशीघ्र इस अपराध के लिए फांसी से सजा कम होनी ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कम से कम इन मामलों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अभी का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि सरकारें बदलती रही है मगर ये मामले नहीं रुके। देश में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होते हैं, और ऐसे सभी पूरे देश के ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री से भी घटनाएं होने के बाद जब बच्ची का जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद जागरूकता है, तो मुझे लगता है ऐसी जागरूकता किसी काम की नहीं। फिर अपराध होते हैं, फिर व्यक्ति खड़े होते हैं, ऐसा नहीं, स्थायी हल होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रही हैं? करेंगे। ये हमारे साथ भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनका कहना है कि वाकई में ये घटना काफ़ी निंदनीय है और इस पूरे ही मसले पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे देश की ही स्थिति इस तरह की बनी हुई है। मगर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ से वो आज मुलाकात करेंगी और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस मसले को लेकर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की है।